बांग्लादेश के हालात पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए पीडीडी सदर महबूबा मुफ्ती ने बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है और जो हो रहा है, हमारे मुल्क को इससे सबक लेना चाहिए। जब आपके पास बड़ी युवा आबादी होती है और आप उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, जब महंगाई और बेरोजगारी उन पर हावी होने देते हैं तो ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हम हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए कि जब जिस मुल्क में जवानों की इतनी बड़ी तादाद हो और इतने हसास होता है, जवान बड़ा हसास होता है, उसको जब आप पुश द वॉल करते हो, जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के साथ सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोजगारी है और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके खिलाफ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमजोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो। कि आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी।